पाकिस्तान को आज फिर शांति का गान याद हो आया है। नोबेल खान को एहसास हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंध क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को एक दूसरे से उलझने के बजाय गरीबी, जलवायु परिवर्तन और भूखमरी जैसी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब इमरान खान शाकाहारी बन गए हैं और वे रंगीन शियार वाले प्रवचन दे रहे हैं, यानी इन्हें लगता है कि 15 माह के कार्यकाल में इसने जो कचरा फैलाया है अब इस तरह के प्रवचन देकर उसे साफ किया जा सकता है। पर हालत यह है कि पाकिस्तान के मदरसे इमरान के ऐसे विचारों को इजाजत नहीं देते हैं। खुद इमरान भी इन्हीं मदरसों से निकली तहमंदवाद जमात का एक हिस्सा रहे हैं, इसलिए भारत तो क्या दुनिया का कोई भी मुल्क इनके ऐसे प्रवचनों को गंभीरता से नहीं लेता है। दरअसल इमरान खान ने हातिम ताई बनने के लिए जो झंडा फहराया था वह पाकिस्तान को अब भारी पड़ने लगा है। इमरान खान ऐसी बकलोलबाजी करके अपनी जनता के सामने फिर से शाकाहारी गिदड़ बन रहे हैं। अभी तक कश्मीर के नाम पर गधैया नर्तक करके इन्होंने अपनी गद्दी बचाए रखी, अब शांति का मरहम लगाकर यह अपना कार्यकाल सुरक्षित करने के फेर में है। कल इस्लामाबाद में दक्षिण एशिया में शांति और विकास 2019 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए इमरान लोंडे ने नया सगुफा भी छोड़ दिया। इसने कहा है कि वह भारत के साथ अमन और दोस्ती के इच्छुक हैं और भारत के साथ मिलकर समस्याओं से लड़ना चाहते हैं, पर भारत को इस जमूरे की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पहले अपना घर ठीक कर ले। भारत केवल बराबरी वालों से हाथ मिलाना पसंद करता है। पाकिस्तान के बिना भारत के चूल्हे ठंडे नहीं हुए जा रहे हैं। भारत को इस पिद्दी और भिखारी देश से मिलकर जलवायु परिवर्तन, भूखमरी से लड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में पिछले 15 महीनों में 8% गरीबी ज्यादा बढ़ी है। महंगाई 4% से 11% पर पहुंच गई है। कराची की गंदगी अभी भी दूर नहीं हो पाई है। कराची के समुद्र तट पर तहमंदबाजों ने पानी की पीक मारकर और गोश्त व कचरे से गंदगी मचा रखी है। यह मुल्क केवल कचरा फैला सकता है, इसलिए इस कचरा स्थान का समूल सफाया जरूरी है। दुनिया को शांति का प्रवचन देने वाले मुल्क ने पूरे विश्व में उत्पात मचाया हुआ है। कल ही इमरान के अलावा परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू भी टेलीकास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि लादेन जैसे जमूरे उनके हीरो हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद में खड़े होकर मांसाहारी शियार से शाकाहार के फायदे गिनवाए जा रहे हैं। इमरान खान को भारत की याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि उन्होंने भारत से संबंध विच्छेद करके जो गलती की थी उसका खामियाजा पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़ रहा है। 14 फरवरी के पुलवामा वाक्य के बाद दवाइयां, सब्जियां और चिकित्सा उपकरणों की कमी से उसकी हालत पस्त है। साथ ही भारत के कॉटन से चलने वाली उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी घाटे की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग भी इमरान खान को डंडा चढ़ाए हुए है, इसलिए इमरान खान पाकिस्तान की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए अलोपी दीन बने हुए हैं। स्थिति यह है कि अगर शीघ्र ही भारत से संबंध नहीं सुधरे तो पाकिस्तान की डावडोल होती अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के इतर दूसरे देशों से आयात करने के कारण और तेजी से घट रहा है। जो वस्तुएं भारत से कम मूल्य पर पाकिस्तान में आयात होती थी अब उन्हें 1.5 से 2 गुने दाम में खरीदा जा रहा है, जबकि भारत पर इस व्यापार बंदी का कोई असर नहीं हुआ है। भारत के पास अपना सामान दूसरे देशों में भेजने और बेचने की क्षमता है। इमरान खान पर उसी की कारोबारी जमात का भारी दबाव है कि वह भारत से व्यापार के रास्ते फिर से खोल दें, लेकिन खास बात यह है कि भारत अब इस मामले में कोई रुचि नहीं ले रहा है। जो व्यापारी वर्ग पाकिस्तान को अपने उत्पाद निर्यात करता था उन्होंने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे सीमावर्ती देशों का रुख कर लिया है। इस वजह से भी भारत सरकार पर उनका कोई दबाव नहीं है। इमरान खान भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अब रंगे शियार बन चुके हैं। मुजफ्फराबाद की रैली में तहमंद फाड़ने वाला यह वजीर आजम आज दीदे फाड़े देख रहा है, यानी भारत पर उसके गधैया नृत्य का कोई असर नहीं हुआ है, उल्टा उसके तहमंदों का रंग उड़ चुका है। अब वह शांति के भाषण दे या कचरा स्थान का रोना रोए, मोदी की कूटनीति में फंसकर ऐसे ही तिल मिलाता रहेगा।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।